दोस्तों, सब टीवी के बहुत ही पसंदीदा शो जीजा जी छत पर हैं, जिसमें चल रहा है पुनर्जन्म का किस्सा। ये देख कितने दिनों बाद मैंने हलवा बनाया तेरे लिए। ले खा। जी हाँ, इलायची बन गई है गांव की छोरी और खुराना जी से कर दिया है इजहार कि वो करती है पंचम से प्यार। जीजा जी के अंदर कोई अजीब सी चीज चिपकी हुई है, पता नहीं कैसे, लेकिन मैं एकदम लोहे की कील की तरह उनके और खींची चली जाती हूँ। और इस बार तो बात यहाँ तक पहुँच गई है कि इलायची ने पंचम से शादी करने की ठान ली है। और अब तो मुझे लगने लगा है कि मैं पल भी जीजा जी से दूर नहीं रह पाऊंगी। इलायची का ये रूप देख के खुराना जी डरी हुई हैं। मेरा ये आखिरी अब इलायची को अपना प्यार पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, ये जानने के लिए सब्सक्राइब करें और देखते रहें स्टूडियो शो बॉक्स। करुणा जी के सामने अपना प्यार का इजहार कैसे कर दिया इतनी जल्दी? एक कहानी चल रही है जहाँ पे इलायची अपना पुराना जन्म याद कर रही है और जीजा जी पुराने पिछले जन्म में फिरंग थे और इलायची गांव वाली थी, अवधी थी, तो वो एक अलग लैंग्वेज है उसकी और उसे सब याद आ रहा है। उसे याद आ रहा है कि जीजा जी से उसकी शादी हो चुकी थी, तो वही मम्मी वगैरह को सबको पता चल चुका है। एंड इसके बाद वो सब लोग स्कैंडलाइज है और मैं भी कह रही हूँ मैं जीजा जी से दूर नहीं रह पाऊँगी। और ऑब्वियसली एक कहानी बुन रहे हैं हम लोग अपनी तरफ से, बट वी वॉन्ट टू एंड अप टुगेदर हुक और बाय क्रूक, सो दिस इज़ व्हाट वी आर डूइंग। अभी तो कभी इलायची बन जाती, कभी गांव की छोरी, कभी गांव की छोरी बन जाती है, अलग अलग बन जाती है। तो ये पूरा मतलब प्लानिंग की गई है? ये पूरी प्लानिंग है हमेशा की। अगर तो क्या लगता है मतलब इस बार मिल पाएंगे आप लोग? ये प्लानिंग इतनी प्लानिंग करते हैं, ये इसका क्या होने वाला है? स्ट्रॉन्ग प्लानिंग है और यू नेवर नो, बिकॉज पापा बहुत बिलीव करते हैं मेरे पिछले जन्म के रिश्तों पर, सो यू नेवर नो।